गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूर्णिमा आपकी हिंदी टीचर। आज हम हमारी हिंदी की क्लास में अंग यानी कि अनुस्वार की मात्रा लगाना सीखेंगे। पेज नंबर 440 ओपन करेंगे आप और इन शब्दों में हम किस तरह से अनुस्वार लगाते हैं ये सीखेंगे और अपनी हिंदी की कॉपी में ये सारा काम करेंगे। सबसे पहले देखिए ये चित्र किसका है, आप देख कर बता सकते हैं। चलिए अब हम अनुस्वार लगाते हैं। ह अनुस्वार और स, इन सबको मिलाने से क्या शब्द बन गया। देखिए ह पर हमने अनुस्वार लगाया यानी कि बिंदी लगाई, फिर स, तो क्या शब्द बना, हंस। ह पर जैसे ही अनुस्वार लगा तो हम इसमें जब हम इसे बोलते हैं तब इसमें हम कैसे हमारे जैसे ही नाक से हल्की सी ध्वनि आती है, हं हं स हं स, ठीक है। इसी की तरह और शब्द बनाए हैं हमने। देखिए अ, अ पर अनुस्वार है तो अंग ग अंग, ज, ज पर अनुस्वार और ग जंग, र, र पर अनुस्वार और ग क्या शब्द बना, रंग। जैसे ही अनुस्वार लगता है उस वर्ण को बोलने के लिए हमें अपने नाक की सहायता लेनी होती है। हम नाक की सहायता से उसे बोलते हैं रंग, उसकी इस प्रकार से ध्वनि आती है। अगला शब्द बनेंगे श अनुस्वार और ख, श पर अनुस्वार लगा और ख, तो क्या शब्द बना, शंख, क्या बनेगा, शंख। इसी प्रकार और शब्द देखिए स पर अनुस्वार और ग, क्या शब्द बना, संग, ध पर अनुस्वार और ग, क्या शब्द बना, ढंग। इस तरह से देखिए ध, ध पर अनुस्वार और ग, क्या बना, भंग। अगला शब्द देखिए, ये चित्र देखिए, आप चित्र के थोड़ा ऐसे पहचान सकते हैं, प अनुस्वार और ख, इन सबको मिलाने से क्या बनेगा शब्द, प पर हमने अनुस्वार लगाया और फिर साथ में लिखा ख, क्या बना, पंख, क्या बनेगा, पंख। इसी तरह से अगला शब्द बना देखते हैं, झ, झ पर अनुस्वार, ल और आ की मात्रा, इन सबको मिलाने से क्या शब्द बना, झंडा। जैसे ही झ पर बिंदी लग गई, अनुस्वार लग गया तो उसका उच्चारण बदल गया, झंडा। फिर इसी तरह से अगला देखिए ल, द पर अनुस्वार, फिर अगला ड और आ की मात्रा, इन सबको मिलाने से क्या शब्द बना, डंडा। प, प पर अनुस्वार, ख, आ की मात्रा, इन सबको मिलाने से क्या बना, पंखा। जैसे ही प पर अनुस्वार लगा तो कैसे हम उच्चारण करेंगे इसका, पंखा। फिर अगला शब्द देखिए ब अनुस्वार, द और र, इन सबको मिलाएंगे। देखिए ब पर हमने लगाया अनुस्वार, द और र, क्या शब्द बना, बंदर, क्या बनेगा, बंदर। इसी तरीके से और शब्द है, देखिए ज, ज पर अनुस्वार, ग और ल, तो इसे हम किस तरह से बोलेंगे, जंगल, कैसे बोलेंगे, जंगल। म, म पर अनुस्वार, ग और ल, इसे किस प्रकार बोलेंगे, मंगल। अगला शब्द देखिए च, च पर है अनुस्वार और द और न, इन्हें किसी प्रकार बोलेंगे हम, चंदन। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, अपनी किताब में देखेंगे, अपनी किताब में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पंक्तियों में चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, इन्हें हम पढ़ेंगे, चंचल कंगन पहन। इसमें आप देखिए चंचल में भी क्या लगा हुआ है, अनुस्वार है, इसीलिए उसकी ध्वनि किस तरह से निकलती है, चंचल। फिर कंगन, जैसे ये का पर अनुस्वार है तो कंग, कंगन। फिर देखिए यह मंदिर है, तो मंदिर पर क्या है, अनुस्वार लगा है, तो किस तरह से निकलता ध्वनि इसकी, मंदिर। फिर जंगल घना है, जंगल कैसा है, जंगल घना है, तो जंगल में अनुस्वार है। अगला आगे देखिए, आज मंगलवार है, इसमें कहाँ है अनुस्वार, मंगलवार में, मंदिर में भीड़ है, यहाँ कहाँ पर लगा हुआ है अनुस्वार, मंदिर और में के ऊपर। फिर
मंदिर हनुमान जी का है, इसमें भी मंदिर शब्द का अनुस्वार लगा है, इसीलिए इसका उच्चारण हम अलग तरीके से करते हैं, हमारे नाक से आवाज आती है मंदिर। फिर मंदिर के ऊपर लाल रंग का झंडा है, तो इस वाक्य में कहां कहां लगा है अनुस्वार, देखिए मंदिर में भी है, रंग में भी है और झंडा में भी अनुस्वार है। फिर पुजारी ने शंख बजाया, किसमें है अनुस्वार, शंख में, और सबको चंदन का तिलक लगाया, कहां है अनुस्वार, चंदन पर। तो आपको क्या करना है, इस पेज पर जितने भी शब्द लिखे हैं उन सबको बार बार बोलना है, उसका उच्चारण करना है, और ये सारा ही काम अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। धन्यवाद।